नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डीजो की तरफ से एक वायरलेस नेक बैंड, जो कि दोस्तों मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज किए हैं। दोस्तों इनकी प्राइस क्या होने वाली है, ये कैसी क्वालिटी के हैं दोस्तों, और इस बॉक्स में हमें क्या क्या चीज़ देखने को मिलती है, और इस ईयरबड्स में दोस्तों इस नेक बैंड में हमें क्या क्या फीचर देखने को मिलते हैं, जैसे मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो दोस्तों पूरा देखें, क्योंकि मैं वीडियो दोस्तों काफ़ी क्विक बनाऊँगा, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करूँगा आपका। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले मिलती है डीजो की ब्रांडिंग, डीजो वायरलेस, और रियलमी का दोस्तों ये सब ब्रांड है डीजो, तो रियलमी की दोस्तों यहाँ पे ब्रांडिंग दी गई है। अब दोस्तों सबसे पहले बात करता हूँ मैं इसके फीचर की। तो दोस्तों देखिए, इसके अंदर मिलते हैं हमें 11.2 mm के दोस्तों लार्ज वाले ड्राइवर, जो ड्राइवर होते हैं इसमें, जिसमें आपको काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी देखने को मिलेगी। 8.8 ms की लो लेटेंसी देखने को मिलती है, जिसमें दोस्तों आपकी जो गेमिंग वगैरह आप करते हो तो आपको काफ़ी अच्छा साउंड देखने को मिलेगा। 17 घंटे दोस्तों आपको इसमें प्ले का टाइम मिलेगा, अगर आप इसे फुल चार्ज करते हो तो आपको 17 घंटे तक का इसमें बैटरी बैकअप मिल सकता है। अगर आप इन्हें 10 मिनट चार्ज करते हो तो 120 मिनट तक का आप प्लेबैक टाइम ले सकते हो, ऐसा दोस्तों कंपनी दावा करती है। इसमें आपको मैग्नेटिक सिस्टम मिलता है, जो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ, आगे बताऊँगा आपको। इसमें आपको IPX4 का वाटर रेसिस्टेंट फीचर देखने को मिलता है, तो इससे क्या होगा दोस्तों, अगर आपको ये यूज़ करते टाइम हल्का हल्का पसीना भी आ जाता है, या हल्की फुल्की बारिश में आप पहन लोगे तो कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आने वाली। 1 ईयर की दोस्तों इसकी वारंटी मिलती है आपको, जिसके लिए आपको रियलमी का सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा। डीजो का कोई सर्विस सेंटर नहीं है, क्योंकि रियलमी डीजो दोस्तों रियलमी का ही ब्रांड है, तो आपको इसमें कोई दिक्कत आती है तो आपको जाना पड़ेगा रियलमी के सर्विस सेंटर में, जो आपके क्षेत्र में कहीं भी आसपास हो वहाँ आप जा सकते हो। तो इसकी MRP दोस्तों 2499 रुपये, बट ये कितने का है ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। चलिए मैं इनको ओपन करता हूँ, फिर आपको इनकी क्वालिटी वगैरह दिखाता हूँ। दोस्तों इसमें और कुछ नहीं है, ये खाली है। दोस्तों ये कि मैंने मंगाया है इसका रेड जी ऑरेंज कलर, क्योंकि इसमें एक ब्लैक कलर आता है, एक ग्रीन आता है और एक जी आता है, तो जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो चलिए मैं इनको ओपन करता हूँ। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि इसमें मिलता है मैग्नेटिक सिस्टम, तो इसके अंदर हमें कोई भी बटन नहीं मिलता पावर ऑफ ऑन के लिए, क्योंकि इसमें कोई बटन दिया नहीं गया। अगर आपको इनको यूज करना है अपने किसी मोबाइल से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार पेयर करना है। पेयर कैसे होंगे, आपको ये हटाना है और ये ऑन हो चुके हैं, अब आपको अपने डिवाइस में पेयर करना है। जैसे ही आप दोस्तों इनको हटा के पेयर करोगे, अगर पेयर हो जाएंगे फिर आपको ये बंद करने हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अब इनको फिर चिपका देना है, जो ऑटोमेटिकली आपके डिवाइस से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये फीचर काफ़ी अच्छा है। काफ़ी दोस्तों जो नेगमेंट होते हैं उन्हें क्या करना पड़ता है कि यहाँ पे दोस्तों बटन दिए होते हैं ऑन ऑफ के, उनको हमें दबाना पड़ता है, प्रेस करना पड़ता है। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है कि अभी कहीं आप ट्रैवल कर रहे हो और आपके फ़ोन पर कोई कॉल आ गया कुछ भी, तो आप फटाफट से इनको हटा के, और जैसे ही दोस्तों आप इनको हटाओगे तो 1 से 1.5 सेकेंड में ये तुरंत ही आपके डिवाइस से कनेक्ट हो जाते हैं, काफ़ी क्विक कनेक्ट होते हैं, तो आप फटाफट से इनको यूज कर सकते हो। और जब आपका यूज खत्म हो जाए तो आप फटाफट से इनको निकाल के अपने कानों में से चिपका सकते हो, जो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है, इसलिए दोस्तों मुझे ये रियलमी के ये नेकबैंड काफ़ी पसंद आते हैं। इससे पहले दोस्तों मैंने रियलमी का ही नेकबैंड मंगाया था, रियलमी वायरलेस वाला, जो काफ़ी महंगा है, वो ख़राब हो चुके थे, तब मैंने इसको मंगाया है। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी बटन वगैरह की। दोस्तों देखिए, यहाँ मिलता है हमें ये मेन बटन बीच में, और ऊपर नीचे मिलते हैं दोस्तों अब माइनस प्लस आवाज़ के लिए। और दोस्तों इसमें मिलता है हमें डीजो की ब्रांडिंग और कुछ भी नहीं है। और दोस्तों इसमें हमें मिलता है चार्जिंग पोर्ट, जो है दोस्तों सी टाइप वाला, ये देखिए सी टाइप चार्जिंग पोर्ट मिलता है, क्योंकि इसके अंदर मिलती है हमें चार्जिंग केबल वाली सी टाइप वाली, मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए। तो आपको इसे ओपन करना है। अभी एक मिनट दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए जी है इधर, तो देखिए दोस्तों इसके अंदर मिलती है हमें जो पेपर मिलते हैं, ये केबल, और ये अलग से कुछ ईयरबड्स। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले मिलती है हमें इसमें टाइप ए टू टाइप सी डाटा केबल, देखिए इसमें टाइप सी डाटा केबल मिलती है दोस्तों, टाइप ए वाली, देखिए।
ये मिलते हैं दोस्तों हमें कुछ एक्स्ट्रा प्लग्स जिन्हें आप अपने कान के हिसाब से यूज कर सकते हो। चार प्लग दोस्तों हमारे इसमें एक्स्ट्रा मिलते हैं। और ये दोस्तों ये रियलमी की एक यूजर गाइड जिसके बारे में दोस्तों इस एक ब्रांड के बारे में इसमें बताया गया है कि आप कैसे यूज कर सकते हो, कैसे दोस्तों पेयर वगैरह कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप दोस्तों इसमें बताया गया है। दोस्तों डी काफ़ी अच्छे हैं। और दोस्तों एक इसमें अच्छी बात और भी है कि आप इसको अपने मोबाइल में एक रियलमी के रियलमी लिंक नाम की एक एप्लीकेशन आती है उससे इसे कनेक्ट भी कर सकते हो। जिसमें क्या हो दोस्तों इसमें कोई अपडेट वगैरह आते हैं हल्के बुल के तो आप उनको अपडेट करके इसको साउंड को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा फीचर है दोस्तों इसके अंदर। तो ये दोस्तों अब मैं आपसे बात करता हूँ उनकी प्राइस की। बॉक्स के ऊपर लिखा गया दोस्तों 2499 रुपये इसकी प्राइस, बट एक्चुअल दोस्तों मैंने मंगाया है इसको 1200 रुपये के समथिंग, क्योंकि मैंने कुछ ऑफर वगैरह मिल गए थे मुझे तो मैंने इसको सिर्फ 1200 के आसपास मंगाया है। और कुछ फ्लिपकार्ट के जो कॉइन वगैरह होते हैं उनको मैंने उसमें इंक्लूड कर दिया था। तो काफ़ी अच्छा ये है नेकबैंड, अगर आपको चाहिए तो लिंक खरीदने का आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब नहीं बोलना, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।